रोना बंद करो, तुम कब बड़े होगे दूसरों की तरह? तो बच्चों, स्कूल के पहले दिन आप सबको एक पूरा गुलाब का फूल लाना है, छुट्टियों में खुद उगाना है, और चीटिंग नहीं, वरना याद है ना, बात समझे? जी टीचर। उगा के पागल है क्या? मैं तो एक पूरा गुलाबी बाजार से खरीद लूंगा। वो भी क्यों? मैं तो एक गुलाब स्कूल के बाग में से ही निकाल लूंगा और मुझे A+ भी मिल जाएगा। ये बहुत मीठा है, नलिनी टीचर से भी। नहीं थैंक्स। तुम कब बड़े बनोगे दूसरे बच्चों की तरह और टॉफी खाना शुरू करोगे? ये मजाक नहीं है। हाँ, मजाक कैसे हो सकता है? ये तो एक टॉफी है। चाहिए? मैं दूर भागना चाहता हूँ। चाइल्ड लाइन 10-9-8। ए मणि, चल अच्छा खेलते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये क्या तमाशा है? टीचर, ये गुलाब मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने उसे एक सबक सिखाने की कोशिश की। रुकिए। क्या? तुम्हें छड़ी खानी है क्या? नहीं टीचर, आप हमें मार नहीं सकती, ये हम बच्चों के हक के खिलाफ है। क्या मतलब है तुम बच्चों का हक? इस क्लासरूम में मेरा हक चलता है, मेरा। चाइल्ड लाइन। मणि बहुत ही जिद्दी है, कुछ काम का नहीं, किसी दिन पछताएगा, देखना। मारकर समझाने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। अरे, क्या तुम भूल गई कि हम सब बचपन में मार खा चुके हैं, तभी हम ठीक हैं। क्या आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में बच्चों को मारना मना है? बच्चों के ऊपर शारीरिक हिंसा या दंड एक जुर्म है। दर्द पैदा करने वाला दंड बच्चों का स्वाभिमान कम कर देता है। बच्चे अक्सर भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्या ये सुधार का सही तरीका है? ये गुलाब अलग अलग खिले हैं, कुछ दूसरों की अपेक्षा देरी से खिले, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि जो देर से खिलता है उसकी कोशिश में कोई कमी है। इन्हीं गुलाबों की तरह हर एक बच्चा अनोखा और सुंदर है। हर बच्चे को उसकी जगह, समय और स्नेह दो खिलने के लिए। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगी इस गुलाब को, ये भी तुम्हारी तरह बड़ा बनकर खिलेगा।